बिके, और दूसरा उसके ऊपर क्वांटिटी का रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है ताकि ज्यादा विदेशी माल ना बिके। लेकिन हिंदुस्तान में दोनों रिस्ट्रिक्शन अभी हटा लिए, अंधाधुंध विदेशी माल बिक रहा है। उसके चक्कर में हो क्या रहा है, एक्सपोर्ट बहुत कम हो गया है, इंपोर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है, और उसकी वजह से घाटा हो रहा है हमको हर साल। और घाटा कितना हो रहा है वो बताता हूँ, 2003-2004 के आंकड़े देता हूँ। वैसे मेरे पास आंकड़े हैं 1979 से, 1979-80 से लेके 2008 तक के आंकड़े मेरे पास हैं। तो पीछे के 4-5 साल के बता देता हूँ ताकि आपको अंदाजा लगे। हमारा 2003-2004 में एक्सपोर्ट था 2,96,969 करोड़ रुपए, और 2003-2004 में हमारा इंपोर्ट था 3,59,408 करोड़ रुपए। माने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में लगभग 1,00,000 करोड़ से ज्यादा का अंतर, एक्सपोर्ट कम है इंपोर्ट ज्यादा है। फिर उसके बाद 2004-2005 में एक्सपोर्ट था 3,75,340 करोड़ और इंपोर्ट हो गया 5,01,065 करोड़, घाटा हो गया लगभग 1,50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। फिर 2005-2006 में हमारा एक्सपोर्ट था 4,56,418 करोड़ और इंपोर्ट हो गया 6,60,409 करोड़। फिर 2006-2007 में हमारा एक्सपोर्ट था 4,51,168 करोड़ और इंपोर्ट हो गया 6,80,941 करोड़। और लेटेस्ट जो आंकड़ा है 2007-2008 का, उसमें एक्सपोर्ट है 5,52,168 करोड़ और इंपोर्ट है 6,75,580 करोड़। माने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का जो डिफरेंस है, जिसको व्यापार घाटा कहते हैं, वो 1,25 से 1,50,000 करोड़ के आसपास है। माने एक्सपोर्ट कम हो रहा है, निर्यात कम हो रहा है, आयात ज्यादा हो रहा है, तो घाटा हो रहा है। इस घाटे की पूर्ति करने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है, फिर उस कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है, फिर उस कर्ज की किश्त चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। तो सारा देश कर्जे के दुष्चक्र में फंस गया है। मैं आपको माफ करिएगा, एक बहुत खराब आंकड़ा देना चाहता हूं। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो एक नए पैसे का कर्ज हमारे ऊपर नहीं था। अब आजादी के 62 साल में हमारे ऊपर 6,80,000 करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज हो चुका है, घरेलू कर्ज मिला के तो, और घरेलू कर्ज मिला दे तो ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा, 26 लाख करोड़ के आगे जान रहे घरेलू कर्ज इसमें, 6,80,000 करोड़ का विदेशी कर्ज हो चुका है, जिस देश पर एक पैसे का कर्ज नहीं था 15 अगस्त 1947 तक, इतना कर्ज हमने कर लिया। और इसी को माफ करिए, विकास का नाम दिया जा रहा है इस देश में, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। जो भी विकास दिख रहा है ये व्यक्तिगत लोगों का अपना पुरुषार्थ है, जिसको नेता कहते कि हमने किया। जो भी देश में डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, सुपर कंप्यूटर से लेकर के मिसाइल और परमाणु बम से लेकर के, जो प्रयास किया देश के लोगों ने किया, सरकारों ने देश का विकास कम किया, विकास किया 10 से 15% और लूटा देश को 85 से 90%। अब एक आखिरी तर्क और बता दूं, आखिरी तर्क जो सरकार देती है वो है रोजगार बढ़ता है। विदेशी कंपनी आती है तो पहला तर्क दिया पूंजी आती है, दूसरा तर्क दिया टेक्नोलॉजी आती है, तीसरा तर्क दिया एक्सपोर्ट बढ़ता है देश का, और चौथा तर्क दिया रोजगार बढ़ता है। 3 तर्क तो मैंने बता दिए कितने झूठे हैं, चौथा तर्क सरकार का उससे भी बड़ा झूठ है, रोजगार बढ़ता है। मैं आपको 2-4 उदाहरण दूं। बाटा नाम की कंपनी आई, उसके पहले इस देश के हर गांव में मोची जूते बनाते थे, चप्पल बनाते थे, सुंदर जूते सुंदर चप्पल, और गांव गांव में बेचे जाते थे, करोड़ों मोची रोजगार में लगे हुए थे। बाटा ने आके क्या किया, करोड़ों मोचियों का रोजगार छीन लिया और एक ब्रांड नेम बना दिया बाटा। उस ब्रांड नेम से प्रभावित होकर हमारे देश के पढ़े लिखे लोगों ने, जिनको मैं बार बार पढ़े लिखे मूर्ख कहता हूं, क्योंकि मूर्खा ही सबसे ज्यादा पढ़े लिखों में है, बिना पढ़े लिखे बहुत होशे आ रहे हैं इस देश में, ये मेरा 18 साल का तजुर्बा है। पढ़े लिखे लोगों ने विज्ञापन से प्रभावित होकर मोची से जूते खरीदना बंद कर दिया और उसके बारे में कुतर्क देना शुरू कर दिया, मोची अच्छा नहीं है, जूते बढ़िया नहीं बनाता, जल्दी टूट जाते हैं, फलाना है ढिमाका है, बाटा से खरीदना शुरू किया। आज बाटा के हिंदुस्तान में लाखों कस्टमर हैं, वो सारे कस्टमर पहले भारत के मोचियों के कस्टमर थे, वो अब बाटा के कस्टमर
कस्टमर हो गए तो करोड़ों मोचियों का रोजगार खत्म कर दिया इस बाटा का। पता है जो मोची पहले जूता बनाकर बेचते थे अब वो जूते की रिपेयरिंग करते हैं, आपका फटा हुआ जूता सिलते हैं, पहले वो जूता बनाते थे, कारीगर थे वो इस देश के, अब जूता सिलने वाले रिपेयर बन के रह गए हैं। उनकी इतनी बेइज्जती हमने इस देश में की है, लाखों मोची बर्बाद हो गए बाटा के चक्कर। एक और उदाहरण दूं, कुछ विदेशी कंपनियों ने पानी के ग्लास लाए प्लास्टिक के, वो पानी के ग्लास इस देश में आए विदेशी टेक्नोलॉजी के, उसके पहले इस देश में पानी पीने के लिए मिट्टी का कुल्हड़ बनता था जो हमारे देश में गांव गांव में इस्तेमाल होता था, और हर गांव में 3-4 कुम्हार होते थे जो इस काम में लगे रहते थे, कोई कोई गांव में 8-10 कुम्हार होते थे, मुझे मेरे गांव का मालूम है मेरे गांव में 4 कुम्हार थे, चारों बेकार हो गए। और हिंदुस्तान में 1.5 करोड़ से ज्यादा कुम्हारों की जमात है जो बर्बाद हो गई जब से ये प्लास्टिक के ग्लास आए और हमने उसमें पानी पीना शुरू कर दिया। रेफ्रिजरेटर आए, हमने उनमें पानी रखना शुरू कर दिया। वाटर कूलर आए, हमने उसमें पानी ठंडा करना शुरू कर दिया। मोची जो घड़ा बनाते थे और घड़ा बेचते थे, मिट्टी के घड़े का पानी हम गर्मियों में पिया करते थे, वो सब अब धीरे धीरे खत्म हो। इसी तरह से एक विदेशी कंपनी आई, रेडीमेड गारमेंट्स उसने बनाने शुरू किए, नाइकी, और एक है एडिडास, एक है प्यूमा और एक है बटरफ्लाई। रेडीमेड गारमेंट्स आ गए, लाखों दर्जी बर्बाद हो गए इस देश जो गांव गांव में कपड़े सिला करते थे बेचा कर। अब मुश्किल क्या हो रही है, दर्जी की सिलाई के बराबर के दाम पर सिली हुई शर्ट मिल जाती है, ये स्थिति हो गई है। और सिली हुई शर्ट वो चाइना से और पता नहीं कहां से आ जाती है, और वो सब सिंथेटिक गारमेंट्स हैं जो बहुत सस्ते पड़ते हैं क्योंकि सब्सिडी और टैक्स रिबेट बहुत ज्यादा है उन कपड़ों पर चीन में और दूसरे देशों में। दर्जियों का रोजगार खत्म हो रहा है, मोचियों का रोजगार, कुम्हारों का रोजगार खत्म हो रहा है, लोहारों का रोजगार खत्म हो रहा है। और बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों ने आकर, एक विदेशी कंपनी ने आकर दिया सलाई बनाना शुरू कर दिया, माचिस, मालूम है विमको, माचिस की डिब्बी बनाना शुरू कर दिया। जो माचिस हमारे घर घर में बनती थी वो विदेशियों ने बनाना शुरू कर, कुछ विदेशी कंपनियों ने मोमबत्ती के चक्कर में अगरबत्ती बना, अगरबत्ती, मोमबत्ती, कुछ विदेशी कंपनियों ने आटा बेचना शुरू कर दिया, जो गांव गांव में पहले पिसता था चक्कियों पर उसका रोजगार था। कई विदेशी कंपनियों ने तेल बेचना शुरू कर दिया पैकिंग करके, जो गांव गांव के तेल ही हुआ करते थे, कोलू चलाया करते थे, तेल निकाला करते थे, उनके रोजगार खत्म हो गए सबके। पारंपरिक रूप से करोड़ों लोग जो हमारे काम में लगे हुए थे, और सिंथेटिक कपड़े आए तब से तो ये सूती खादी के कपड़े में बर्बादी आ गई। पहले खादी का कपड़ा हर गांव में बनता था, हर गांव में पहना जाता था, उसके बाद सिंथेटिक कपड़े आ गए, खादी के कपड़े की बिक्री कम हो गई। आज पूरे हिंदुस्तान में मात्र कुल कपड़े का 1% ही खादी का कपड़ा बिकता है, लेकिन उसके कारण भी 15 लाख लोगों को सीधे रोजगार मिला हुआ है। मैं सीधा हिसाब बताता हूं, अगर 100% खादी बिकने लगे तो 15 करोड़ लोगों को रोजगार तो खादी में ही मिल सकता है, लेकिन वो नहीं हो रहा है। गांव गांव में सिंथेटिक कपड़े घुस गए, सिंथेटिक चीजें घुस गई,